नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सवाल ले लेते हैं एथिक्स वैल्यू चैनल का। इन्होंने पूछा है, 3D यूनियन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन एंड DF की लाइफ में। DM एंड DF की लाइफ में मेजर चेंजेस तो आते ही हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D यूनियन के बाद क्या बदलाव होते हैं। बदलाव बहुत तरह के होते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, है ना, सामाजिक। अगर आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये समझना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां दो लोग आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, बदलने के लिए एक दूसरे को बदलते हैं और एक मिशन पे चलते हैं। मिशन का अर्थ ये नहीं है कि सारी दुनिया को छोड़ दो, जिस भी करंट रिलेशनशिप में है उसको छोड़ दो और कहीं और ही दूसरी दुनिया में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। मिशन है उसको आपने करंट फैमिली के साथ रहते हुए भी निभा सकते हैं। आप दुनिया में एक दूसरे के लिए आते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ताकि आप अपने अनछुए पहलू को भी देख सकें। अनछुए पहलू क्या? जो भी सप्रेस्ड एनर्जी है उनको देख सके। सबसे पहले बदलाव जो आपको नोटिस होगा 3D यूनियन के बाद, वो है ज्यादा हार्मनी आपकी लाइफ में आ जाएगी। आप एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकमेक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एक तरह से बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। शायद आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए आगे बढ़ा होगा, लेकिन अब जब आप यहाँ हैं, सब कुछ खुद का बनाया, अपनी मतलब खुद की बनाई जगह पर चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से, किसी का एहसान नहीं, चेंज आपके अंदर वैसे ही आएगा, आप अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं, इसलिए पहला बदलाव यह है। दूसरा बदलाव यह है कि क्लैरिटी आपके अंदर और ज्यादा आ जाएगी। आपको रियलाइज होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक दूसरे को ढूंढने से नहीं, बल्कि अपनी सोल पर्पस को सही तरह से फुलफिल करने के लिए है। आप दोनों एक तरह से मिलकर एक ग्रेटेस्ट पर्पस के लिए काम करते हैं। कुछ कहते हैं कि मैम, आपका तो डिवाइन मस्कुलाइन शो पे आते नहीं है ना, यूट्यूब पे आते नहीं, तो फिर कैसे कर रहे हैं आप? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तो काम होते हैं, तो ऑफलाइन वो मेरे साथ हैं, तो ढेर सारा जो ये आप तक काम पहुंच रहा है तो उनकी मदद से भी पहुंच रहा है, बिना उनकी हेल्प के नहीं हो रहा, तो हेल्प दोनों साइड से होती है। तीसरा बदलाव कि आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, आपको ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा प्यार और ज्यादा हैप्पीनेस का एहसास होता है। आपके बीच का जो एनर्जी है वो इतना पावरफुल होता है कि वो पॉजिटिवली रहते हुए ऑप्टिमिज्म की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमिज्म माने एक एंथुसियाज्म, एक खुशी कि यस, किसी भी काम को करने में पहले भी आपको कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ये हर समय दिमाग में रहता था कि DM क्या सोचेंगे, DM मना कर देंगे, DM ये, DM, अब ऐसा कुछ नहीं है। चौथा बदलाव यह है कि आप दोनों रिलैक्सेशन फील करने लग जाते हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं, आपको सेफ और सिक्योर फील होता है। यदि आपको भी कुछ जानना है मेरी सर्विसेज और फीस के बारे में, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको एक डीप सेंस की एनर्जी फील होगी, एक एहसास होगा कि यस, अब ये हो गया है, लेकिन तुरंत इसके बाद भी आपको डर सा भी लग सकता है। देखिए, ठीक है कि बबल फेज आया, देन सेपरेशन आया, अब रीयूनियन हुआ, फिजिकल इंटीमेसी हुई, वो जबरदस्त तरीके की होती है, बबल फेज से भी कहीं हायर लेवल का होता है, लेकिन उसी में ही लिप्त नहीं रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होता, ब्लेम नहीं होता, गोस्टिंग नहीं होती, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ऑफ कोर्स नो सेपरेशन आल्सो, बट मैं ये जो बता रही थी कि एक सिंपल सा डर आ जाता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, चाहे वो मेल है या फीमेल बॉडी में हो, कि हाय राम, अब फिर से तो कोई जबरदस्त सेपरेशन तो नहीं होगा। एक जो जबरदस्त सेपरेशन होता है वो वही है अटल मृत्यु, अटल सत्य मृत्यु, तो उसका भी डर वो आप अपने दिमाग से निकाल देते हैं, तो वहां से जीवन की शुरुआत एक बार फिर से हो जाती है, यानी कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। जी हाँ, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति आपको इसी जीवन में ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होने के बाद 3D वर्ल्ड में मिल ही जाती है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो जरूर से जरूर शेयर करें, और थैंक यू सो मच सब्सक्रिप्शन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।